ভাই কি করবে এখন? रिकॉर्ड डिलीटेड, चलो ठीक है, सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत रनैज स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिक वहां से क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखो क्वेरी वगैरह भी सब आ गई, ठीक है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने चेक किया, अच्छा इस बार क्वेरी दे रहा, पहले उसने क्या किया, चेक किया ठीक है कि रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड थे कि नहीं है, थे, उसके बाद उसने क्या किया, डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड। यहाँ पे आप जाओ रिफ्रेश करो, बचेंगे सिर्फ दो, बाकी सारे टेम्पररी। ठीक है, तो ये था करंट ऑपरेशन यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट करके लाओ, सेम चीज आप माई एसक्यूएल ओरेकल दोनों से कंप्लीट करके लाओ। ठीक है, सेंड कर दीजिए सर, क्या तो माई एसक्यूएल भी कर देंगे। हाँ बस वहां पर क्या करेंगे, समझ आ गया, इसको कल कंप्लीट करके, कल क्या अब आराम से इसको कंप्लीट करके आओ, अब हम जा रहे हैं एक हफ्ते की छुट्टी में, हाँ होली भी ले जाएंगे। अब वैसे भी तुम लोग की क्लास नेक्स्ट क्लास होगी 12 को, 12 से 15 हम छुट्टी में रहेंगे, 16 को आएंगे, तो 16 को तो तुम लोग की क्लास रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग की होगी 19 को। अरे तो कल एक काम करो, तुम 9, 10, 11 को तो वैसे भी नहीं आते, 9, 10, 11 को तो वैसे भी नहीं आते हैं, उसके बाद 16, 17, 18 को तो वैसे भी नहीं आओगे, हम तो 16 को आ जाएंगे, हम तो कल भी आएंगे, तुम्हारी क्लास की मात्र 4 दिन की छुट्टी जा रही है, वीकेंड वाली क्लास से रहते हैं। तो तुम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस ट्यूसडे ना होके नेक्स्ट ट्यूसडे होगी, बस इतना, ऐसे में तुम लोग को कम थोड़ा सा झटका लगेगा। हाँ फिर उसमें भी छुट्टी नहीं, नहीं फिर उसमें हम क्यों छुट्टी लेंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे तो छुट्टी नहीं है, फिर छुट्टी नहीं दीजिएगा, काहे की छुट्टी लोगे, नहीं दीजिएगा, छुट्टी नहीं चाहिए ना, नहीं तो हम चाहिए, ठीक है बस ऐसे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तो वही बस जिस दिन होली रहेगा उस दिन, हाँ उस दिन मनाओ, क्योंकि उस दिन मंडे है, उस दिन वैसे ही मंडे, मैं भी मेरी भी छुट्टी है। ठीक है, इस दिन मनाओ तुम लोग होली के, ठीक है चलो, अरे रच देना पूरी दिवाली में। चलो ठीक है, तुम तो देख ही चलो ठीक है, तो करके लाओ ना। और सुनो ध्यान से, अगले एक हफ्ते कोई मेरे को कॉल वॉल ना कर देना, चाहे किसी के अंदर कितनी भी एरर आ जाए, कुछ भी ग्रुप में मैसेज कर लो, आपस में डिस्कस कर लो, अब ये नहीं कि लगा रहे हैं फोन, फोन में फोन, सर यहाँ पे एरर आ रहा, ग्रुप में भेज लो, ग्रुप में सब नहीं 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 है। हाँ आएगा आएगा, खुद से करोगे तो आएगा, हाँ रिप्लाई तो वैसे भी नहीं आता, रिप्लाई तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं कर दूंगा। हाँ बस इसीलिए ग्रुप में जो भी दिक्कत हुआ करे ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप में आ जाएगा रिप्लाई, कोई ना कोई बता ही देगा, और हम हमारे थ्रू नहीं आएगा नाम को कोई कॉल कर, ठीक है, अननोन नंबर वैसे भी हम नहीं उठाएंगे, ठीक है, जो कि सेव सेव किसी करते नहीं, सारे लिए मेरे लिए अननोन ही नंबर, ठीक है, इतनी कोई एरर आने वाली बात है नहीं, अब चलो हाइबरनेट में मान सकते थे, स्प्रिंग में मान सकते थे, एक्सएमएल नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, अब इसमें क्या ही एरर आए, अब इसमें जो भी एरर आए तो फिर एक हफ्ता और वेट कर ले, या तो ग्रुप में, तब तक मेरे एरर हाँ एरर चला ही जाता है, वो एक बार वेट कराते हैं तो अगली बार मेरे को हमेशा यही सुनने मिलता है कि सर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ज्यादा हो तो स्प्रिंग एमवीसी थोड़ा सा ट्राई करना खुद से, क्योंकि हम तो स्प्रिंग बूट एमवीसी बताएंगे, स्प्रिंग एमवीसी करना, तब तुमको स्प्रिंग बूट एमवीसी का भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि कैसे कर।
वर्क कर रहा, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी काफी ज्यादा उसमें झंझट है, एक्सएमएल की बहुत ज्यादा उसमें झंझट है। इसमें तुमको एक्सएमएल दिख ही नहीं रहा कहीं, है ना? तो ये सिंपल लग रहा, हंसी आ रही बात बात पे है। तो डाटा वैसे इंडिपेंडेंट हो गया तो कर ठीक है चलो। तो स्प्रिंग एमवीसी करके वेब से बनाना उसको, ठीक है? थोड़ा सा कुछ दिन परेशान हो, फिर उसके बाद जब अच्छा करोगे तब अच्छा लगेगा, ठीक है?